अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है पापा? आपको पता है ना, शादी से पहले आप दोनों ऐसे नहीं मिल सकते। अरे ये क्या बात हुई? इतने दिनों बाद तो मेहनाज को मुस्कुराते हुए देखा है। आप जा रहे हैं या मैं अम्मी को बुलाऊं? अम्मी, तो बड़ी खतरनाक बहू हो। इस वक्त मैं बहू नहीं, आपकी साली हूँ। अच्छा जाओ, ठीक है ठीक है। आप भी किसी से कम नहीं है वैसे। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। वाह, तुमने देखा ना, आप ही और पापा कितने खुश थे, और अम्मी के चेहरे पे भी बहुत सुकून नजर आ रहा था। हाँ ऐसे ही था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पापा ने मुझे माफ कर दिया और सब कुछ सेटल हो गया। और अब देखो ना, आप ही और पापा की शादी भी हो रही है। हाँ लेकिन मुझे पता है किस बात की सबसे ज्यादा खुशी, कि तुम वापस आ गए। मतलब तुम्हें बाकियों की कोई खुशी नहीं है? तुम कितने मतलबी हो गए हो फहद। हाँ ऐसे ही, तुम्हारे बारे में तुम्हें मतलब ही, और वो इसलिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पता है मलिया, जब तुम मुझसे रूठ कर चली गई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी सारी दुनिया खाली हो गई। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था उसके बाद मेरा ख्याल था कि शायद तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे, और मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ खो दिया, और ये सोच कर मेरा दिल बंद होने लगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे दूर रह के मैं भी खुश थी? आई एम रियली सॉरी मलिया, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और प्लीज मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम मुझसे इस तरह रूठ कर नहीं जाओगे। फिर पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो कुछ भी हुआ वो नाजिया की वजह से हुआ। खैर, अब तो वो चली गई है, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी मलिया। वो तो मैं हूँ, पर तुम्हें देर से पता चला। अच्छा चाय तो पियो, ठंडी हो रही। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ भी नहीं, सैसे। माँ हूँ बेटा मैं तुम्हारी, अच्छे से समझ सकती हूँ। घर का ख्याल आ रहा है ना, कितनी बेबस माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसे तो ना कहे अम्मी, आपने मेरा सबसे बड़ा काम कर दिया। क्या काम किया है बेटा? काश कुछ कर पाती। आपने एक गुनहगार, एक धोखेबाज बेटी को माफ किया। अच्छा बस ना, क्यों निकालती हो पुरानी बातों को? हाँ भूल जाओ बेटा, मैं भी भूल गई हूं। नहीं भूल सकती अम्मी, आप माँ है ना, आपका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए आपने मुझे माफ कर दिया। कि मैं नहीं भूल सकती। और आपको पता है कि सजा जो मुझे मिली है ना, इसको मक्का फातिमा में सब कुछ के मैंने कबूल कर लिया। दुआ करती हूँ और बस बस यही चाहती हूँ कि रुमान खैरियत से वापस घर आ जाए। इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा बेटा, मैं दुआ कर रही हूँ, तुम भी दुआ किया करो। अल्लाह ताला बीवी की कही हुई दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। इंस्पेक्टर साहब, वो औरत झूठ बोल रही है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो इंसानी हमदर्दी के नाते सिर्फ उसे घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन जो उसने हमारे साथ किया है वो नाकाबिले माफी है। मगर आप फिक्र ना करें, हम थाने आ जाएंगे। अब क्या किया नाजिया ने? वो कह रही है कि हम उसके रिश्तेदार हैं,
और खानदानी झगड़े की बिना पर हम उस पर एमन को अगवा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। पापा, हमारी बच्ची के साथ इतना कुछ करने के बाद अब वो ये बकवास कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमने छोड़ना नहीं है। तो आपने हालत देखी थी ना एमन की, वो तो शुक्र करें कि वहां पे मेहनाज थी, वरना वो किस मेंटल टॉर्चर से गुजरी है वो बच्ची यार। परेशान मत हो, नाजिया बच से ही सकती। उसने जो कुछ एमन के साथ किया उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। जी बाबा। अरे मैं सोच रही थी जब आप चली जाएंगी, आपके जाने के बाद मैं कितनी अकेले हो जाऊंगी, कितनी बोर हो जाऊंगी। इसीलिए कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन तुम लोगों के सुनते ही नहीं हो मेरी। अरे क्या हो गया, इसलिए थोड़ी कह रही हूँ, शादी तो कभी ना कभी करनी है। और शादी की वजह से अकेली नहीं हो जाऊंगी मैं, तो बस आपके दूर जाने की वजह से अकेले हो जाऊंगी। फायजा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना नुमान भी तुम्हें बहुत जल्दी लेने आएगा। ऐसी अनहोनी बातों को लेके क्यों सोचते हैं आप? इंशाल्लाह फायजा देखना ऐसा ही होगा, बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। तो और क्या, जब महनाज आप ही को इतने दुख उठाने के बाद बाहर के पापा जैसा एक अच्छा इंसान मिल सकता है, तो देखना तुम भी घर जरूर चली जाओगी और तुम्हें नुमान खुद लेने आएगा। हमारी महनाज आप ही ने अपनी जिंदगी में बहुत सब्र किया और ये उनके सब्र का फल है, मैं इनके जितनी साबिर थोड़ी हूँ। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि आप ही की शादी के बाद ना मैं उसी स्कूल में जॉब कर लूंगी जहाँ पे आपने की थी, यकीनन आपकी थोड़ी बहुत बात तो होगी उनसे। नहीं फायजा, ऐसा सोचो भी मत। किसी दिन नुमान आ गया तो वो क्या सोचेगा कि हम उसकी बीवी बच्चे को 4 दिन भी नहीं रख सके अपने पास और नौकरी पे लगा दिया। आप ही ऐसे नहीं होने वाला, हो सकता है नुमान घर वापस आ गया हो, लेकिन वो मुझसे या उसकी फैमिली मुझसे नहीं मिलना चाहते। वरना क्या एक बार भी कंजा या मामा आशुर से मिलने नहीं आती? फायजा अगर तुम कहो तो मैं और फहद जाके तुम्हारे ससुराल में पता करें कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, वहाँ मेरी बात की कोई वैल्यू भी ना रहे। फायजा कम से कम अपना नहीं तो अशर का ही सोच लो, अभी तो वो छोटा है, लेकिन कल को जब बड़ा होगा उसे बाप की जरूरत पड़ेगी और तुम स्कूल जॉब करके उसको नहीं पाल सकती। पाल लूंगी मैं अपने बेटे की माँ और बाप दोनों बनूंगी। और वैसे भी आप लोग अम्मी का भी तो सोचे ना, हम सबके जाने के बाद तो अम्मी अकेले हो जाएंगी, इसलिए मैं हूँ अम्मी के पास, मैं कहीं नहीं जा रही। मामा चलें, मैं रेडी हूँ। हाँ ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाल ले, हम लोग भी तैयार हैं बिल्कुल। लेकिन मामा हम जा कहाँ रहे हैं, आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? किंजा तुम ही बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। छोटे बच्चे हो तुम, तो तुम्हें अगवा करके कहीं ले जाएंगे, जब पहुंचेंगे तो देख लेना। ठीक है ठीक है। अरे तुम्हारे बाबा का फोन आ रहा है। जी सुल्तान। सुल्तान बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, मैं वापस आके फोन करती हूँ आपको। ओके खुदा हाफिज। आप चलें? हाँ चलो प्लीज। दूसरा कागज। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अम्मी खाने के लिए क्या बनाऊं? मैं नाज से पूछ लो बेटा। लो ये क्या बात हुई अम्मी, आप ही को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? घर में तो मैं आई हूँ तो मेरी मर्जी का खाना बनना चाहिए ना। हाँ क्योंकि चंद दिनों के बाद ये भी तुम्हारी तरह इस घर में मेहमान ही हो जाएगी ना, इसलिए खाना मेरी मैनास की मर्जी का ही बनेगा। अम्मी
कोई जरूरत नहीं आप ही को इतना सर पे चढ़ाने की। कुछ दिनों में ये मेरी सास बन जाएंगी, आप देखिएगा बहुत जुल्म करेंगी मेरे पे। फैसा बेटा एक काम करो, तुम बिरयानी बना लो। ये आइडिया अच्छा है, इन दोनों को बिरयानी पसंद है तो दोनों खुश हो जाएंगी। इस वक्त कौन आ गया? मोहल्ले से कोई बच्ची आई होगी। जब से महनाज की शादी का पता चला है, कोई ना कोई बच्ची आती है इससे मिलने के लिए। मैं देखती हूँ। मामा आप लोग अंदर आइए ना। सिर्फ हम लोग नहीं आए हैं, आओ अंदर आओ। नुमान, नुमान तुम ठीक हो गए? फैसा, तुम्हारी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अम्मी, क्या हुआ फायजा, रो क्यों रही हो बेटा? अमीन, नमान आए। आंटी, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। जिस भरम के साथ दावा करके मैं फैजा को यहां से लेकर गया था, वो मैं पूरा नहीं कर सका। शायद जो मैंने फैजा के ऊपर जुल्म किया है, कुदरत ने मुझे उसकी सजा दे दी है। और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि आप जो सजा देना चाहें मुझे कबूल है, मैं उस सजा के लिए तैयार। नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? ये मामला तो तुम्हारे और फायजा के दरमियान है। अब फायजा जो चाहे फैसला करे। अगर फायजा तुम्हें माफ कर देती है तो मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगी। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फायजा से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर मलिया बेटा, नौमान को फैजा के कमरे में ले जाओ। थैंक यू। मैं आती हूँ। कब तक यूं ही रोती रहोगी? मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लड़ो मुझसे, कोसो मुझे। जब तुमने मुझसे अशर को छीना था, मुझे उस घर से निकाला, मुझ पर इल्जाम लगाए, मैं तब तुमसे नहीं लड़ी तो अब क्यों लड़ूंगी? क्यों नहीं लड़ी? क्यों खामोश रही? मैंने, मम्मा ने तुम पर इतनी जुल्म किया, कितनी ज्यादतियां की कि तुमने कुछ बोलने के बजाय मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? नुमान, मैं अपनी माँ को धोखा देकर आई थी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन जब तुम ही मेरे साथ नहीं थे तो मैं किस बेस पर किसी से लड़ती? तुमने ठीक कहा फाजा, मैंने तुम्हारे एतबार को धोखा दिया। और शायद इसी वजह से मुझे ये सजा मिली है। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नुमान, ये सजा मुझे किसी का दिल दुखाने से नहीं मिली,
मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, उनको धोखा दिया था, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैं समझ गई हूँ, अगर कोई औलाद अपनी अपनी माँ का दिल दुखा के अपनी खुशियां ढूंढती है तो उसे कोई खुशी नहीं मिलती, सिर्फ गम मिलते। अच्छा अब चलो अपने घर चलो प्लीज फाइज साहब। तुम तो अशर से दूर थे, मैं एक ही घर में रह के अपने बेटे को प्यार करने के लिए तरस गया था, कितना बदनसीब था। शायद तुम्हारे साथ किए गए गुनाह की सजा मुझे मिली। कुलसुम, मैं यहाँ सिर्फ फायजा को लेने आई हूँ, प्लीज आप मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि मेरी बेटी मेरी फायजा फिर से अपने घर में बस जाए। लेकिन बहन, मैं आपसे भी वही कहूंगी जो मैंने नौमान से कहा है, फैसला फायजा नहीं करना है, फायजा जो फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ी हूं। भाई साहब चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। आ गई। भाभी बस अब माफ कर दें और चलें हमारे साथ। आपके बगैर हमारा घर और मेरा भाई दोनों बहुत उदास है। नहीं किंजा, मेरी बहू मुझसे नाराज है, मैं खुद इससे माफी मांगूंगी। मुझे माफ कर दो, ऐसा मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की और उसकी सजा भी मैंने भुगत ली। अब तो मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। ओ माँ, आप मेरी माँ हैं और माएँ कभी भी औलादों से माफिया नहीं मांगती हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने हीरा जैसी लड़की की कदर नहीं की बेटे, कितनी बदनसीब हूँ मैं। बस मैं अपने पोते और तुमको लेने आई हूँ, चलो घर चलो हमारे साथ। जी जी जरूर, फायजा हमारे घर पे आपकी अमानत है। लेकिन बहन आपसे एक गुजारिश है, मेरी बड़ी बेटी महनाज की 3 दिन के बाद रुखसती है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दोनों बेटियों की रुखसती एक साथ हो। जैसे आपकी खुशी कुलसुम, बस इससे ज्यादा और सब्र नहीं करूंगी मैं। आप फिक्र मत कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपको इंतजार भी नहीं करवाऊंगी। तो बस ठीक है आंटी, 3 दिन बाद हम अपने भाई की बारात लेकर आएंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। जी प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारी शादी से पहले फायजा का मसला हल हो जाए। सच कहूं तो बहुत दिनों के बाद उसको दिल से खुश देखा है। ऐसा लगा जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया, वरना बेचारी हम लोग की खुशी के लिए ऊपरी ऊपरी दिल से बस मुस्कुराती रहती थी। अब तो तुम खुश हो ना? जी बहुत खुश हूं। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ महनाज, इसीलिए भी कि अब हम अपनी नई जिंदगी का स्टार्ट बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे, जिसमें ना तुम्हारे लिए कोई फिक्र हो
और ना ही कोई गिल्ट। अच्छा अम्मी बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारे ये हिसाब की तो मुझे पसंद है महनाज। मामा ये देखें, मैंने फाइजा के लिए ड्रेस ली है, बताएं कैसा है? बहुत ही अच्छा है और इसमें फाइजा बहुत प्यारी लगेगी। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? आपकी बेटी ने 4 मॉल्स के चक्कर लगवाए हैं, 6 घंटे मेरे बर्बाद किए हैं सिर्फ एक ये स्पेसिफिक ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, इतना तो तंग अपनी शॉपिंग के वक्त नहीं करती है। हाँ तो अपनी भाभी के लिए लेना था, ऐसे कुछ भी तो उठा के नहीं ना लेकर आ सकती थी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के भेजवाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करूं। मेरे रब ने मुझे आज ये दिन दिखाया, आज मेरी तीनों बेटियां अपने घर में बसने जा रही है। अम्मी ये सब कुछ आपकी दुआओं का और आपके सब्र का नतीजा है। आज तुम्हारे अब्बू थे तो कितना खुश होते। अम्मी आप ऊपर से देख के हमें बहुत खुश हो रहे होंगे और बहुत सुकून में भी होंगे। हाँ भाई क्या ख्याल है? यार मैं कह रहा हूँ कमाल के हैंडसम लग रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप आज इतने हैंडसम दूल्हा लग रहे हैं, जवानी में कितने हैंडसम दूल्हा होंगे आप? मतलब ये कि तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो? पापा मेरी इतनी मजाल कहाँ से, मैं तो वाकई आपकी तारीफ कर रहा था, आप वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और वैसे एक और बात है, मुझे लगता है यही वजह है कि मेरी मामा आपसे इतनी मोहब्बत करते, इतने आप हैंडसम जो। काश मुझ में खूबसूरती के साथ साथ इंसानियत भी होती, तब मैं उसे इतनी मोहब्बत करने वाले की नाकदरी ना करता। अच्छा छोड़ें पापा, आज कोई हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे प्लीज। पापा मैं कैसी लग रही हूँ आज? अरे वाह 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 पापा, देखें आज हमारी डॉल जो है फेरी नहीं लग रही। अच्छा फेरी जी मुझे ये बताएं कि आज आपके पापा के पापा कैसे लग रहे हैं? हाँ भाई मेरे पापा के पापा आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा खैर हमें देर हो रही है, वी मस्ट मूव, चलें। चल 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 चल। माशाल्लाह मेरा बेटा तो आज शहजादा लग रहा है, नजर ना लगे इसको किसी। मामा शहजादा तो मेरा बेटा लग रहा है। भाई ये तो है, ये तो हमारे घर की रौनक है, इससे अच्छा और कौन लग सकता है। वैसे तुमने अपने कुछ पापा की तैयारी पे गौर की है? दूल्हा से ज्यादा तैयारी करके आए हैं। देखे तो सही, पापा लग भी तो कितने प्यारे रहे। अरे क्यों ना प्यारा लगूं, अपने बेटे की बारात लाया हूँ, पहले तो ये मुझसे छुप छुप कर शादी करता। ओहो अब मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाइए। अच्छा भाई मजाक नहीं उड़ाता, चलो अब आगे चले। चलो
बात सुनो, इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? मैं घूर तो नहीं रहा, सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मेरी बेगम इतनी खूबसूरत कैसे हो सके। अच्छा, ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, समझे? मक्खन थोड़ी लगा रहा, मैं सीरियस हूँ। तुम मेरी बीवी हो और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम जैसी धोनी होनी चाहिए। सबके सामने ना तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? तुम जान से मार दो, लेकिन सोच लो हम एक जान है। तुम अपना रोमांस बंद करो, चलो अम्मी बुला रही। यार मलिया, जब भी मैं तुमसे रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ, तुम जो ना मेरी रोमांस की ऐसी की तैसी कर रही हो। चलो ना, सब देख रहे हैं। कुलसुम, मेरे ख्याल से अब रुखसती करवाइए, बहुत देर हो चुकी है। जी बिल्कुल। मलिहा, अपनी अम्मी से कहो कि वो घर की सबसे कीमती चीज जहेज में देंगी, तब हम महनाज की रुखसती लेंगे। कौन सी कीमती चीज भाई साहब? हमारे घर में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आंटी, पापा आपकी बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? फाहर ठीक कह रहा है कुसुम, हम सिर्फ महनाज को नहीं बल्कि आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे। क्या आप अपनी बेटी को ये जहेज नहीं दे सकते? नहीं अज़दानी भाई, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आपकी बेटियों की भी ख्वाहिश है कि आप उनके साथ रहें, और हम दोनों ने उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने का वादा किया, तो प्लीज आपको मेरी ये बात तो माननी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। लेकिन क्यों आंटी? आप खुद कहती हैं कि मैं आपके बेटे की तरह, क्या आप अपने बेटे की बात ही मानेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस घर के अंदर आप एक माँ की तरह ही रहेंगी। मान जाए कुलसुम बहन, बस यूं समझ लें कि हमारे घर को आपकी जरूरत है, प्लीज। अम्मी मान जाए।
Thank you.
बारिश का कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए। चाहे जितना मैं थामूं ये तो हाथ छुड़ाए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो